जय श्री राम प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आज के राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज 28 सितंबर 2021 दिन मंगलवार है। यह दैनिक राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोली विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल की कार्यक्रम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। इस राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। यदि आप अपनी कुंडली का फ्री में विश्लेषण करवा कर अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, तो आप अपना जन्म डिटेल कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। आज का सुविचार, अपने हिसाब से जियो। लोगों की सोच का क्या, वो कंडीशन के हिसाब से बदलती रहती है। अगर चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंक देते हैं, और अगर देसी घी में गिरे तो मक्खी को फेंक देते हैं। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ सबसे पहले मेरी तरफ से जिनका आज बर्थडे या एनिवर्सरी है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। विक्रमी संवत 2078, मास अश्विन, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि सप्तमी, वार मंगलवार, नक्षत्र मृगशिरा, योग व्यतिपात, राहु काल 3:11 PM से 4:41 PM तक। इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अभिजीत मुहूर्त 11:48 AM से 12:35 PM तक है। दिशाशूल उत्तर। यदि आप किसी कारणवश इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो गुड़ खाकर घर से बाहर जाएं लाभकारी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का राशिफल जान लेते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने इष्ट देव या इष्ट देवी का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आप प्रेरणा से भरे हैं और काफ़ी अच्छी स्थिति में भी हैं। आपका दिमाग सक्रिय है और इसमें नए नए विहार और नीतियां आती रहती हैं। आज का दिन आपके लिए सफलता से भरा रहेगा। हालांकि अगर आपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो यह सब उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम और सफ़ेद। उपाय, गंगा जल का सेवन करना हेल्थ के लिए शुभ होगा। वृषभ राशि, आज आप किसी भी अच्छे बुरे तरीके से अपना लक्ष्य पा लेने के मूड में हैं। काफ़ी समय तक हाशिए पर रहने के बाद आपको आज अपने ग्रहों की बदौलत काफ़ी आत्मविश्वास का अनुभव होगा। आप अपनी मानसिक प्रवृत्ति के आधार पर फैसले ले सकते हैं। यकीन मानिए, वे सही ही साबित होंगे। शुभ अंक 7, शुभ रंग पारदर्शी और गुलाबी। उपाय, रात को दूध, पानी व चीनी को सिरहाने रखकर सुबह किसी वृक्ष में डालने से नौकरी व बिजनेस में फायदा मिलेगा। मिथुन राशि, अपने सब विचारों को एक साथ रखकर सोचें। इससे जो निष्कर्ष निकलेगा उससे आपको स्थितियों से निपटने में काफी मदद मिलेगी। अपने आप को उन चीजों में ना फंसने दें जिनमें आप विश्वास नहीं रखते। इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाएं। इधर उधर की हाँकना आपकी आदत नहीं है, लेकिन कई बार आपको ना चाहते हुए भी यह करना पड़ता है। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा और सलेटी। उपाय, कन्याओं व कुलीन स्त्रियों का आदर करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कर्क राशि, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। आपको अचानक यह लगने लगेगा कि जीवन में परिवार तथा कैरियर में संतुलन बनाना काफी आसान हो गया है। आपकी सारी हिचकिचाहट दूर हो जाएगी और आपके सब कामों में नया आत्मविश्वास दिखाई देगा। आप घर या कार्यस्थल पर किसी करीबी की असमंजस की भावना को भी आज दूर कर पाएंगे। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम और सफेद। उपाय, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने से धन की स्थिति अच्छी रहेगी। सिंह राशि, आप आज किसी
अपराजय शक्ति पुंज के समान महसूस करेंगे और किसी भी विरोध पर आसानी से विजय हासिल कर लेंगे। आज का दिन उस काम को करने का बहुत अच्छा दिन है जो आप काफी समय से करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आज आपको कोई नहीं रोक सकता। आज का दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। शुभ अंक 6, शुभ रंग पारदर्शी और गुलाबी। उपाय: पारिवारिक जीवन की सुख शांति हेतु मंदिर एवं धार्मिक स्थलों पर शुद्ध घी व कपूर का दान करना शुभ होगा। कन्या राशि: आज दुविधा और उलझन की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन यह बस ऊपरी आवरण है। जैसे ही स्थिति साफ होगी, आप वास्तविकता को देख पाएंगे। शुरुआत में सब कुछ उलझा हुआ सा लगेगा, लेकिन समय के साथ साथ सब ठीक होगा। अपना समय लें और चलते रहें, आपको सफलता मिलेगी। परिवर्तन तो जरूर होंगे, लेकिन आपके भविष्य के लिए शुभ साबित होंगे। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी, भूरा और सलेटी। उपाय: काली सफेद गाय को खाना खिलाने से प्रेम संबंध अच्छे होंगे। तुला राशि: आलस के कारण अपने दिन को बिगड़ने ना दें, अपनी प्राकृतिक रचनात्मक ऊर्जा को बाहर निकालें और फिर आपका दिन आराम से अच्छा जाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य और अपने निजी जीवन में भी व्यस्तता को बहल करने की आवश्यकता है। विकर्षित करने वाली चीजों पर ध्यान न दें और वही कार्य पूरी एकाग्रता से करें जो आपके लिए लाभकारी हो। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम और सफेद। उपाय: नहाने वाले पानी में हरी मूंग के 5 दाने डालकर स्नान करने से नौकरी व बिजनेस में फायदा होगा। वृश्चिक राशि: आज आप किसी असंभाव्य साझेदारी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इससे आपको रोमांच और साहसी होने की अनुभूति तो होगी, परंतु यह देखना होगा कि यह साझेदारी कितनी सफल होगी। किसी अप्रत्याशित स्रोत से समर्थन सहायता प्राप्त हो सकती है, हालांकि यह अवसर बहुत कम समय तक ही मिलेगा, इसलिए आपको जल्दी ही फैसला लेना होगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला और नीला। उपाय: चितकबरे कपड़े पहनने से आर्थिक उन्नति होगी। धनु राशि: आज का दिन परिवार के साथ बिताने के लिए विशेष रूप से अच्छा है। अपने माता पिता, बहन भाइयों या फिर जीवन साथी के साथ शांति से कुछ वक्त बिताएं। अपने बच्चों के साथ किसी मनोरंजक क्रियाकलाप में भाग लें। अगर काम का दबाव अधिक भी है तो भी आज उसे एक तरफ रख दें और एक साथ होने का आनंद लें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपने इन पारिवारिक सत्रों में कितना कुछ सीखा है। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा और फिरोजी। उपाय: ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः मंत्र का 11 बार उच्चारण करने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। मकर राशि: आपका दिमाग बहुत सक्रिय है, आप ऊर्जा और प्रेरणा से भरे हैं। आपके दिमाग में नई योजनाएं आती रहेंगी जिन्हें आप आसानी से कार्यान्वित भी कर पाएंगे। आपकी समस्या आज यही रहेगी कि आपके दिमाग में आज लगातार नए विचारों की बाढ़ सी आती रहेगी। आप अपने आसपास के सभी लोगों को भी अधिक प्रेरित कर पाएंगे। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा और फिरोजी। उपाय: अच्छी सेहत के लिए सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करें। कुंभ राशि: इस समय लोग आपके बेहतरीन विचारों को सुनने जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आपको अब उनसे जो भी बात मनवानी है आप आसानी से मनवा सकते हैं। इसके लिए कोई कसर ना छोड़ें, अपनी अधिकार जताने की प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखें, यह आपके खिलाफ जा सकती है। अपना दिमाग खुला रखें, आपको किसी करीबी से कोई अप्रत्याशित खबर मिलेगी। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया और पीला। उपाय: हल्दी की गांठ तथा पीपल के 5 पत्ते अपने सिरहाने के नीचे रखकर सोने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। मीन राशि: आज ग्रहों की दशा आपको शांत तरीके से अपने बारे में सोचने का मौका देगी। आपने पिछले समय में कई मौकों पर काफी कठोर ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अब आप मानसिक रूप से काफी शांत स्थिति में हैं। सुलह करने और संबंध सुधारने के लिए बहुत अच्छा समय है। खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद को भी और दूसरों को भी एक दूसरा मौका जरूर दें। पिछले कुछ दिनों से आप स्वास्थ्य की समस्याओं से लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप आज इनके लिए कोई संतोषजनक तरीका खोज पाएंगे। ध्यान रखें कि कोई भी तरीका समय तो लेता ही है, आपको धीरज तो रखना ही होगा।
लेकिन यह भी तय है कि अगर आप नियमों का शीशे पालन करेंगे तो काफी हद तक अपनी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी और सुनहरा उपाय। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।